अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं बर्ड्स इन्फो ऑफिशियल। तो आज का जो है हमारी पहली वीडियो है और मैं पहली दफ़ा जो है कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। तो आज मेरा इरादा था कि आप लोगों को मैं अपने सेटअप का विज़िट करवाऊँ और अपने सेटअप की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊँ, जो कि तकरीबन अब लास्ट क्लच है। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ से मेरा सेटअप स्टार्ट हो रहा है माशाल्लाह से। छोटा सा सेटअप है, अभी मैंने आज ही ये नया एडिशन किया है अपने बर्ड एवरी के अंदर, के जो है मैंने यहाँ पे अपना बैटरी का सिस्टम लगाया है क्योंकि लाइटें आजकल बहुत ज़्यादा जा रही हैं, तो इसकी वजह से जो है ना मुझे मजबूरन ये खर्चा करना पड़ा। तो मैंने ये जो है ना बैटरी का सेटअप बाय कर लिया, उसके बाद जो है मैंने इसको फिट कर लिया आज अल्हम्दुलिल्लाह। अब लाइट भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, तो जो है गर्मी का सीज़न हमारा अच्छे से निकल जाएगा क्योंकि गर्मी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, मैं अपनी एवरी भी आपको विजिट करवाता हूँ। ये मैंने नए केजेस बनवाए हैं अभी और इनको इतना टाइम नहीं हुआ अभी, मैंने इसमें जो पेयर मेरे एक्स्ट्रा मतलब लेइंग करके फारे हो गए थे या जो इनके बच्चे मैंने फॉस्टर कर दिए थे उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट करके दोबारा बॉक्स दे दिए हैं। अगर कि एक ब्रीड और आ जाए तो क्या ही बात होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ तो फिर मैं बॉक्सेस हटा दूंगा। तो ये भी अभी कुछ केज खाली हैं इसके अंदर और कुछ केजेस में मैंने अपने ब्रीडर पेयर जो थे मेरे पास वो मैंने छोड़ दिए हैं और बाकी इंशाल्लाह कुछ अगले साल के लिए पेयर तैयार कर रहा हूँ वो, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो मैं नेक्स्ट ईयर की, जिन्होंने मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड की है माशाल्लाह से। ये एक पेयर है मेरा पार्डू पेस्टल इनो का मेल है और क्रीम इनो की फीमेल है इसके साथ ना। इसने भी तकरीबन मेरे पास 4 क्लच किए हैं इसके, मैंने बच्चे वगैरह पहले क्लच के दूसरे क्लच के सेल कर दिए, अभी इसका थर्ड क्लच के बच्चे भी इसके भी पल रहे हैं। और एक ये पेयर है मेरा अल्बाइनो का, बहुत ही अच्छा मेल है ये मेरे पास, स्प्लिट का मेल है और इसमें क्रीम इनो की फीमेल है, ये भी बहुत ज़बरदस्त पेयर है मेरा। इसने मेरे पास बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है क्लच के अंदर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला इस ईयर मेरे पास ये। बाकी जो है यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे मेरे पास पार ब्लू स्प्लिट इनो का और अल्बाइनो का जो है पेयर है, अल्बाइनो वाली फीमेल है इसमें और पार ब्लू स्प्लिट इनो वाला मेल है, थोड़ा मास्किंग में है लेकिन ये है कि मेरे पास इससे क्रीम नो आ जाते हैं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ की। और वैसे भी ये फीमेल जो है बहुत अच्छे बच्चे पालती है ना। तो तीसरा पेयर भी मेरे पास है, ये अल्बाइनो स्प्लिट टू विजुअल, अच्छा स्प्लिट टू विजुअल ही लगाना चाहिए, देखिए इस मेल की एक आँख ख़राब हो गई है लेकिन इससे भी इसकी कोई ब्रीड में फ़र्क नहीं पड़ता, ये ब्रीड करता है फर्टाइल भी करता है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मुझे इससे। और एक पेयर मेरे पास ये है, ये भी अल्बाइनो स्प्लिट का मेल है और अल्बाइनो रेडाई की फीमेल है। अच्छा एक ये मेरा पेयर बड़ा शानदार और बड़ा कमाल का पेयर है, अगर आप ये देख सकें तो ये देखें, ये मेरे पास जो है पेयर बड़ा अजीब सा है लेकिन इसका रिजल्ट जो आता है वो है अल्बाइनो रेडाई, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास तकरीबन 80% बच्चे इसमें से अल्बाइनो रेडाई आते हैं और 10% अल्बाइनो स्प्लिट और 10% जो है लुटिनो फिशरी रेडाई आते हैं इसमें से, क्योंकि ये जो इसका मेल है ये लुटिनो फिशरी रेडाई स्प्लिट ब्लू में और अल्बाइनो स्प्लिट की फीमेल है। अच्छा अब जो है ना ये तो मेरे हो गए ब्रीडर पेयर, ये देखें माशाल्लाह ये तीन बच्चे हैं, ये पार्बलो स्प्लिटिनो इंटू अल्बाइनो रेडाई का पेयर है, उसके बच्चे थे ये, उसके चिक्स जो है जब हैच हुए मैंने फॉस्टर कर दिए थे, एक क्रीमिनो है एक ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो एक अल्बाइनो रेडाई, इनको पाल रहे हैं ये लुटिनो पसनाटा का पेयर पाल रहा है इनको, ये बड़ा अच्छा पेयर है, बड़े अच्छे बच्चे पालता है ये मेरे पास। ये देखें ये माशाल्लाह से बड़ा अच्छा पेयर है, बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से पालता है इस तरीके से। एक मेरे पास ये पेयर लुटिनो का है और ये बच्चे पाल रहा है लुटिनो फिशरी रेडाई स्प्लिट ब्लू मेल और अल्बाइनो स्प्लिट की जो फीमेल है उसके बच्चे ये पेयर पाल रहा है और माशाल्लाह अच्छे खासे बच्चे हैं, जो मैंने दो फॉस्टर भी कर दिए और माशाल्लाह से ये चार बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें दो अल्बाइनो रेडाई हैं, एक अल्बाइनो स्प्लिट है और एक लुटिनो फिशरी है रेडाई के अंदर। ऐसे ही एक पेयर ये है लुटिनो का और ये देखें माशाल्लाह ये चार बच्चे पाल रहा है, एक पार ब्लू स्प्लिटिनो है, दो अल्बाइनो रेडाई हैं और एक क्रीमिनो है, ये माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छे तरीके से पाल रहा बच्चों को, ये बहुत अच्छा मेरा पेयर है, फॉस्टर पेयर है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से भराई कराता है ये। ये मेरे पास सिर्फ फिशर की फीमेल है, ये तीन बच्चों को पाल रही है क्योंकि इनका जो मेल है, इसका जो मेल है वो बच्चों को मार देता है तो मैंने मेल को अलग कर दिया था, और ये एक पार्बलू बच्चा है, एक अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई है और एक लुटिनो का बच्चा है इसके साथ, और एक ये सिर्फ लुटिनो की फीमेल है खाली,
इसने जो है हीट पे आके अंडे दे दिए थे मेरे पास। मैंने इसके अंडे हटा के इसके नीचे ये अंडे रख दिए थे, जिसमें से माशाल्लाह से ही बच्चे निकल आए। दो लुटीनो के अंडे रखे थे और एक लुटीनो फिशरी का अंडा रखा था। ये बच्चा स्प्लिट ब्लू भी है और स्प्लिट इनो भी है। लुटीनो फिशरी थोड़ी सी प्लगिंग कर रही है फीमेल, लेकिन कोई मसला नहीं है, थोड़े दिन में पर आ जाएंगे बच्चों के। एक ये भी मेरा माशाल्लाह लुटीनो का पेयर है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पालता है। और इसके नीचे मैं माशाल्लाह 5 बच्चे पलवा रहा हूँ और तकरीबन बच्चे सेल्फ होने वाले हैं। और ये देखें, एक अल्बाइनो ब्लैक का ही बच्चा, तो ये तो तकरीबन सेल्फ हो गया है। इसमें एक अल्बाइनो रेड आई भी है और 3 माशाल्लाह बच्चे डैकिनो भी हैं इसके अंदर। ये उस पेयर के बच्चे हैं जो कि अल्बाइनो और स्प्लिट का मेल है और क्रीमिनो की फीमेल है। ये उस पेयर के बच्चे यहाँ पे बहुत शौक हुए हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा सेटअप विजिट किया, आपने देखा मेरे पास माशाल्लाह जो ब्रीड आई हुई है। मेरे पास ज़्यादा पेयर की ब्रीड नहीं है, मेरे पास पेयर भी कम थे पिछले साल और जो है कैपिटल भी मेरा कम था, जिसकी वजह से जो है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्रीड नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और मेरे पास रेड आई के चिक सर्वाइव किए हैं माशाल्लाह से। सबसे बड़ी बात ये है, लोग कहते हैं कि रेड आई का सर्वाइवल नहीं है, लेकिन मेरे पास माशाल्लाह से रेड आई का बहुत अच्छा सर्वाइवल था। और मेरे पेयर्स ने जिसने भी ब्रीड करी माशाल्लाह बहुत अच्छी करी। बाकी अगले साल के जो मेरे ब्रीडिंग के जो पेयर हैं जो मैंने अगले साल के लिए लगाने हैं या फिर जो है मैंने जो बाइंग की है इस दफ़ा नेक्स्ट ईयर की वर्किंग के लिए, इंशाल्लाह वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसके लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए बर्ड्स इन्फो ऑफिशियल। अल्लाह हाफ़िज़।